hello everyone i'm marima khanam and welcome back to balaji online classes today i am here to teach you lesson number 13 that is too dear so let's read it and understand have you ever thought about the hardship faced by a prisoner what do you think someone imprisoned for life cares for the most moral values good food or the freedom to go home the following story is a humorous account of the troubles of dealing with the criminal in the kingdom of monaco तो ये स्टोरी मोनेको किंगडम की है जहाँ पर एक क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करना था पर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास गिलोटैन मशीन नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने अदर कंट्रीज से हेल्प ली और हेल्प ना मिल मिलने के वजह से उन्हें क्रिमिनल को छोड़ना पड़ा सो लेट्स रीड इट एंड नो वॉट हैपन विद द क्रिमिनल नियर द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस एंड इटली ऑन द शोस ऑफ मेडिटेरियन सी लाइज अ टाइनी लिटिल किंगडम कॉल्ड मोनाको मैनी A small country town can boost more inhabitants than this kingdom for there are only about seven thousands of them in all and if all the land in the kingdom were divided there would not be an acre for each inhabitant but in this toy kingdom there is a real kinglet so ye kingdom jo tha wo chota tha that lied that lies on the shore of the Mediterranean Sea एंड द पीपल लिव देर वो वेरी लेस एज अ पॉपुलेशन वॉज वेरी देर बट देर वॉज अ रियल किंगट पूरा एक रियल किंगलेट था जहाँ पर राजा था देर वॉज अ पैलेस देर वॉज देर वार कोटियर्स मिनिस्टर्स बाई शॉप जनरल्स एंड एन आर्मी तो एक किंगडम में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब यहाँ पर थी इट इज़ नॉट अ लार्ज आर्मी ओनली ओनली सिक्सटी मैन इन ऑल बट स्टिल इट इज़ एंड आर्मी तो वहाँ पर एक आर्मी भी थी उनकी बट उस आर्मी में सिर्फ सिक्सटी मैन थे बट स्टिल इट विल भी कॉल्ड एंड आर्मी चाहे सिक्सटी हो चाहे ट्वेंटी ही क्यों ना हो बट इट विल भी कॉल्ड एंड आर्मी देर वार ऑल्सो टैक्सेज इन दिस किंगडम एज एल्सवेयर टैक्सेज आर ऑल्सो एज टेकन इन अदर कंट्रीज नाउ इट हैपन्ड अ फ्यू ईयर्स ए गो दैट अ मर्डर वॉज कमिटेड In this toy King's domain the people of that kingdom are peaceable and such a thing had not happened before so kya hua? is kingdom may a bar ek murder hua Ye, jo kingdom tha wo hi peaceable tha aur aisa wahan par kabhi hua tha the judges assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner there were judges the prosecutors the jurymen and the barristers

एंड दे ऑल डिसाइडेड दैट द क्रिमिनल शुड बी एग्जीक्यूटेड तो ये जो इनका डिशीजन था ये किंग को पहुँचाया जाता है और किन, किन जो थे, वो भी इसे कन्फर्म करते हैं एंड ही सेट दैट इफ द क्रिमिनल शुड बी एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटिम देर वॉज ओनली वन हिच इन द मैटर दैट वॉज दैट दे हैड निगले फॉर कटिंग हेड्स ऑफ Nor an executioner. The ministers considered the matter and decided to address an inquiry to the French government, asking whether the French could not uh, lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head, and if so, would the French kindly inform that what the cost would be? The letter was sent. A week later, the reply came a machine and an expert could be supplied, and the cost would be 16. Thousand francs. This was laid before the king. He thought it over sixteen thousand francs. The wretch is not worth the money, said he. Can't it be done somehow cheaper? तो क्या होता है इस इस मैटर में एक प्रॉब्लम थी कि इनके पास मोनाको जो किंगडम था उनके पास गिलोटाइन मशीन नहीं थी और एक्जीक्यूशनर नहीं था जिससे क्रिमिनल uh, का हेड एग्जीक्यूट किया जाए तो उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट से हेल्प ली और उनसे पूछा कि क्या वो उन्हें गिलिटाइन मशीन और कोई एग्जीक्यूशनर उधार दे सकते हैं तो जब उन्होंने उनसे पूछा तो वहाँ से रिप्लाई आया कि हाँ दे विल गिव देम द एग्ज़ीक्यूशनर एंड द गिटाइन मशीन बट इट विल कॉस्ट सिक्सटीन थाउजेंड फ्रैंक्स उसका कॉस्ट बहुत ही हाई था ये बात किंग तक पहुँची और किंग ने सोचा कि एक क्रिमिनल को मारने के लिए हमें इतना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा तो क्या ये कोई चीपर वे में नहीं हो सकता है वाई सिक्सटीन थाउजेंड फ्रैंक्स इज मोर देन टू फ्रैंक्स अड ऑन द होल पॉपुलेशन द पीपल वॉन्ट स्टैंड इट एंड इट मे कॉज अ रिओर्ट So the king said that it was a very high cost, so and it should be done in a cheaper way. So a council was called to consider what could be done, and it was decided to send a similar inquiry to the king of Italy. The Italian government wrote that they would have pleasure in supplying both a machine and an expert, and the whole cost would be 12 francs, including travelling expenses. This was cheaper, but still, it seemed too much. It would still mean nearly 2 francs more per head on the taxes. Another council was called. Uh, they discussed and considered how it could be done with less expenses. So, the uh, French government replied and they said that it would be very costly if uh, they agree to the uh, price. दैट इज़ सिक्सटीन थाउजेंड फ्रेंक्स तो उन्होंने इटली गवर्नमेंट को लेटर लिखा और उनसे पूछा दैट विल दे हेल्प अस सो दे ऑल्सो रिप्लाइड दैट देफिनेटली हेल्प देम एंड इट वुड कॉस्ट ट्वेल्व थाउजेंड फ्रेंक्स तो इस पर भी सोचा गया और कहा गया कि ये भी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट है तो उन लोगों ने फिर और सोचा इसके बारे में एंड वॉट दे डिसाइडेड दे डिस कंसिडर हाउ इट कु डन विद लेस एक्सपेंसिस तो उन लोगों ने सोचा कि इसको और चीपर वे में कैसे किया जा सकता है कुड नाट वन ऑफ द सोल्जर्स पर गॉट टू डू इट इन अ रफ एंड होमली फैशन तो ये कहा गया कि क्या कोई इसे खुद से नहीं कर सकता है? क्या कोई सोल्जर इसे नहीं कर सकता है इन ए होमली एंड इन अ सिंपल वे रफ वे द जनरल वॉज कॉल्ड एंड वॉज आज कॉन्ट यू फाइंड as a soldier who find who could cut the man's head off in war they don't mind killing people in fact that is what they are trained for so the general talked it over with the soldiers to see whether one of them would not undertake the job but none of the soldiers would do it no they said we don't know how to do it it is not a thing we have been taught so Uh, जैसे कि सोल्जर्स से कहा गया कि क्या कोई इसे रफली uh, नहीं कर सकता है तो सोल्जर्स ने कहा कि नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं एंड वी आर नॉट टॉट इवन टू डू दीज टाइप्स ऑफ टास्क वट वॉज टू बी डन अगेन द मिनिस्टर कंसीडर्ड एंड रिकन्सीडर्ड फिर से इसके ऊपर uh, सोचा गया बहुत सोचा गया उसके बाद क्या हुआ असेंबली बैठाई गई दे असेंबल्ड ए कमीशन एंड अ कमिटी एंड सब कमिटी एंड एट लास्ट दे डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग वुड बी टू ऑल्टर द डेथ सेंटेंस टू वन ऑफ़ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिस वुड एनेबल द किंग टू शो हिज मर्सी एंड इट वुड बी चीपर तो उन लोगों ने लास्टली ये सोचा कि हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं हम उसे लाइफ टाइम के लिए इम्प्रजेंट कर देते हैं और ये इस तरह से हम अपनी मर्सी भी क्रिमिनल uh, को दिखाएंगे शो करेंगे और वो सोचेगा कि हम उसके लिए कितने uh, दयालु हैं और उसकी हमने हेल्प की उसे ना मारकर द किंग अग्री टू दिस एंड सो द मैटर वॉज अरेंज द ओनली हिच नाउ वॉज दैट देयर वॉज नो सूटेबल प्रिजन फॉर अ मैन मैन सेंटेंस्ड फॉर लाइफ देयर वॉज अ स्मॉल लॉकअप वेयर पीपल वर समाइम्स केप्ट टेम्परली बट देयर वॉज नो स्ट्रोंग प्रजन फिट फॉर परमनेंट यूज हाउ एवर दे मैनेज टू फाइंड अ प्लेस दैट वुड डू एंड दे पुट द यंग फेलो देयर एंड प्लेसड ए गार्ड ओवर हिम द गार्ड हैड टू वॉच द क्रिमिनल एंड हैड ऑल्सो टू फच हिज फूड फ्राम द पैलेस किचन तो क्या होता है लास्टली उसको uh, कहा गया कि उसको एक प्रिजन में रखा जाएगा तो उसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि उनके पास कोई भी ऐसा बड़ा प्रिजन नहीं था जिसमें क्रिमिनल को रखा जा सके उनके पास सिर्फ एक लॉकअप था जिसमें टेम्परेली जो भी क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम करते हैं उनको रखा जाता था तो उन्होंने उन्हें सोचा कि क्यों ना हम इसी लॉकअप में इसे बंद कर दें और उसके लिए उन्हें गार्ड रखना पड़ा जो उसकी रखवाली करता था और उसे खाना ला कर दे, देता था पैलेस से किचन पैलेस से द प्रिजनर रिमेंड देअर मंथ आफ्टर मंथ टिल अयर हैड पास्ट बट वेन अ ईयर हैड पास द किंग लेट लुकिंग ओवर द अकाउंट ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर वन डे नोट इज द न्यू आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर दिस वॉज फॉर द कीप ऑफ द क्रिमिनल नॉर वॉज इट अ स्मॉल आइटम ई दर वॉज अ स्पेशल गार्ड एंड देर वॉज ऑल्सो अ मैंस फूड इट केम टू मोर देन सिक्स हंड्रेड फ्रैंक्स अ ईयर तो उन्होंने जब रिकॉर्ड देखा एक साल के बाद तो वो देखते हैं कि सिक्स हंड्रेड फ्रैंक्स इस क्रिमिनल के ऊपर स्पेंड हो रहे हैं जिसमें से उन्हें गार्ड को पे करना पड़ता था और उन्हें uh, उसके खाने के लिए पेमेंट करनी पड़ती थी जो पैलेस uh, किचन से आता था तो इट वाज ऑल टुगेदर सिक्स हंड्रेड फ्रैंक्स अ ईयर एंड द वर्स्ट ऑफ इट वाज दैट द फेलो वाज स्टिल यंग एंड हेल्दी एंड माइट लिव फॉर फिफ्टी ईयर्स वेन वन केम टू रेकन इट अप the matter was serious it would never do so the king summoned his minister ministers and said to them you must find some cheaper way of dealing with this rascal so what happened uh, the king summoned the uh, people and his minister and said you should find some other way some cheaper way टू डील विद दिस क्रिमिनल क्योंकि ये भी बहुत कॉस्टली है और इसके लिए हमें गार्ड रखना पड़ रहा है और इसके लिए खाना आता है तो फाइंड सम अदर वे टू डील विद दिस रास्कल द प्रेजेंट प्लान इज टू एक्सपेंसिव एंड द मिनिस्टर्स मेट एंड कंसिडर्ड एंड रिकन्सिडर्ड टिल वन ऑफ देम सेट जेंटल मैन इन माई ओपिनियन वी मस्ट डिसमिस द गार्ड बट दे री जॉइंडर द फेलो विल रन अवे वेल सेट द फर्स्ट स्पीकर लेट हिम रन अवे तो वो लोग डिस्कस करते हैं और उसी में से एक मिनिस्टर uh, कहता है कि क्यों ना हम लोग गार्ड को हटा दें तो जब uh, एक पर्सन ने ये कहा तो दूसरा पर्सन कहता है कि अगर हम हाँ, गार्ड को हटा देंगे तो ऑबियसली जो क्रिमिनल है वो वहां से भाग जाएगा तो वो कहता है कि हाँ चलो उसे भाग जाने दो तो क्या होगा सो दे रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ देयर डेलीबरेशन टू द किंग लेट एंड ही अग्रीड विद विदेम द गार्ड वॉज डिसटेड टू सी वॉट वुड तो क्या हुआ लास्टली कि उस गार्ड को वहां से हटा दिया गया और जो क्रिमिनल था वो खुद अकेला वहां रहता था उसे कोई भी गार्ड नहीं करता था ऑल दैट दैट एट डिनर टाइम द क्रिमिनल केम आउट एंड नॉट फाइंडिंग हिज गार्ड ही वेंट टू द किंग्स किचन टू फेच हिज ओन डिनर हिट टुक दैट वॉज गिवेंट टू हिम रिटर्न टू द प्रेजेंट शट द डोर ऑन हिमसेल्फ एंड स्टेड इन साइड तो जो क्रिमिनल था वो खुद बाहर आता था रात में जब उसने देखा कि वहाँ गार्ड नहीं है तो वो खुद आकर uh, किंग के किचन में वहाँ से खाना लेता था खाता था और वो प्रजेंट में खुद बंद हो जाता था और अपना डोर अंदर से बंद कर लेता था ही वेंट फॉर हिज फूड एट द प्रॉपर टाइम बट

दैट वी डू नॉट वॉन्ट टू कीप हिम तो उन्होंने सोचा कि अब हमें उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देना चाहिए कि हमें तुम्हें नहीं रखना है यहाँ पर सो द मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस हैड हिम ब्रॉट बिफोर हिम Why do you not run away? Said the minister. There is no guard to keep you. You can go where you like and the king will not mind. तो उससे पूछा जाता है कि तुम भागते क्यों नहीं हो तुम जब भी चाहो भाग सकते हो तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम अपने आप ko खाना खा के वहीं बंद कर लेते हो आई डेयर से द किंग वुड नॉट माइंड रिप्लाइड द मैन बट आई हैव नो वे टू गो वॉट कैन आई डू यू हैव रूंड माई कैरेक्टर बाई योर सेंटेंस एंड पीपल विल टर्न देयर बैक्स ऑन मी डिस आई हैव गॉट आउट ऑफ द वे ऑफ वर्किंग यू हैव ट्रीटेड मी बैडली इट इज़ नॉट फेयर इन द फर्स्ट प्लेस वेन वंस यू सेंटेंसड मी टू डेथ यू ऑट टू हैव एक्जीक्यूटेड मी तो वो कहता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ अब मेरे पास तो कोई है ही नहीं क्योंकि अब मैं जाऊँगा अपने घर तो दे आर गोइंग टू टर्न देर बैक्स मेरी जो जॉब थी वो भी चली गई है आप लोगों के सेंटेंस की वजह से और आपने कहा था कि यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट मी तो क्यों नहीं किया मुझे क्यों नहीं मेरा सर काट दिया और मुझे एग्जीक्यूट कर दिया बट यू डिड नाट डू इट that is one thing i did not complain about that then you sentenced me to the imprisonment for life and put a guard to bring me my food but after a time you took him away again and i had to fetch my own food again i did not complain but now you actually want me to go away i can't agree to that you do uh, you may do as you like but i won't go away तो वो कहता है कि जैसे जैसे आपकी मर्जी हो रही है आप कर रहे हैं अब आप मुझसे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ अब मेरे पास तो कोई है ही नहीं जहाँ मैं चला जाऊँ तो अब मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा वॉट वॉज टू बी डन वंस मोर द काउंसिल वॉज समट कोर्स कुड दे अडोप्ट द मैन वुड नॉट गो फाइनली दे डिसाइडेड टू ऑफर हिम अ पेंशन द सम फिक्सड वॉज सिक्स हंड्रेड फ्रैंक्स एंड दिस वॉज अनाउंस टू द प्रिजनर तो फिर से काउंसिल uh, बैठाई गई और पूछा गया कि क्या किया जाए इसके साथ तो उन लोगों ने सोचा कि इस क्रिमिनल uh, को हम आज़ाद कर देते हैं और उसे हम ईयरली सिक्स हंड्रेड फ्रैंक्स देंगे वेल सेड ही आई डोंट माइंड सो लॉन्ग एज यू अंडरटेक टू पे इट रेगुलरली ऑन दैट कंडीशन आई मे विलिंगली टू गो तो वो कहता है अगर आप मुझे इतना अमाउंट देंगे तो आई एम डेफिनेटली एंड आई एम हैप्पी टू गो फ्रॉम हियर सो द मैटर वाज सेटल्ड ही रिसीव्ड वन थर्ड ऑफ हिज एनयूटी इन एडवांस एंड लेफ्ट द किंग्स डोमेन इट वाज़ ओनली द क्वार्टर ऑफ एन आर बाय रेल एंड ही इमिग्रेटेड एंड सेटल्ड जस्ट अक्रॉस द फ्रंटियर वेयर ही बॉट अ बिट ऑफ लैंड स्टार्टेड मार्क ट गार्डनिंग एंड नाउ लिवस कम्फर्टेबली ही ऑल वेज गोज एट द प्रॉर टाइम टू ड्रा हिज पेंशन तो वहाँ पर थोड़ी दूर पर वो एक लैंड खरीदता है और वहाँ रहने लगता है वो वहाँ पर एक मार्केट गार्डनिंग करने लगता है और टाइमली वो अपनी पेंशन लेने जाता है और हैप्पीली वो वहाँ रहने लगता है इट इज़ गुड दैट he did not commit him his crime in a country where they do not grudge expense to cut a man's head off or to keeping him in the prison for life so that's it in the story uh, i hope you all understood it and uh, if you did not understand you need to read it thoroughly and do your exercises after downloading from school mitra and still if you have any uh, doubt or query you can ask me in the live session so take care of yourself and wait for my next video. Bye bye.